आखिरकार टीवी का सबसे बड़ा विवादित शो बिग बॉस के 18वें सीजन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक बार फिर से सलमान खान होस्ट के कुर्सी संभालेंगे। बिग बॉस के इस सीजन में दर्शकों को कई सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। मेकर्स धीरे धीरे सभी डिटेल्स प्रोमो के जरिए फैंस के लिए क्लियर कर रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री का सबसे विवादित शो बिग बॉस फिर से जादू बिखेरने वाला है। दरअसल कलर्स का सबसे फेमस रियलिटी शो बिग बॉस का अब 18वां सीजन आने वाला है। हाल ही में कलर्स टीवी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बिग बॉस 18 का प्रोमो शूट किया है, जिसमें सलमान खान बिग बॉस की थीम के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी का विवादित शो बिग बॉस बहुत जल्द आपके मनोरंजन के लिए वापस आने वाला है। जी हाँ, बिग बॉस 18 का लोगों में जबरदस्त क्रेज है। एक एक करके जहाँ कंटेस्टेंट के नाम सामने आ रहे हैं, वहीं अब इसका एक नया प्रोमो भी रिलीज हो चुका है। पिछले प्रोमो में जहां लोगों को सिर्फ लोगों को देखने को मिला था, वहीं नए प्रोमो में और भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। शो में सलमान खान होस्ट के तौर पर नजर आएंगे और इस बार बिग बॉस कंटेस्टेंट का भविष्य देख पाएंगे, जिससे इस बार का सीजन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रोमो शेयर करते हुए कलर्स टीवी ने कैप्शन में लिखा, इस बार घर में भूचाल आएगा क्योंकि बिग बॉस में टाइम का तांडव आएगा। मतलब साफ है कि ना केवल कंटेस्टेंट बल्कि बिग बॉस का प्रेजेंट बल्कि उनका फ्यूचर भी देख पाएंगे। प्रोमो जारी होता सलमान खान के वॉइस ओवर के साथ है, जहां वो पब्लिक के शो की थीम और उसमें क्या होने वाला है इससे लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। वीडियो में वो कहते हैं, ये आँख देखती भी थी और दिखाती भी थी, लेकिन सिर्फ आज का हाल। अब खुलेगी एक ऐसी आँख जो लिखेगी इतिहास का पल, देखेगी ये आने वाला कल। जी हाँ, इस सीज़न में तकनीक का जमकर इस्तेमाल होगा, जिसकी मदद से घर वालों के रवैये और उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता भी बिग बॉस लगा पाएंगे। इसी के साथ शो शुरू होने की ऑफिशियल डेट भी रिवील कर दी गई है। 6 अक्टूबर से रात 9 बजे से आप कलर्स टीवी पर बिग बॉस का 18 सीजन देख सकेंगे। वहीं बिग बॉस के लिए अब कंफर्म कंटेस्टेंट के नाम सामने आ रहे हैं। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो के लिए हर साल की तरह ही इस साल भी टीवी एक्ट्रेस और यूट्यूबर्स के नाम सामने आए हैं, लेकिन सभी कंटेस्टेंट में एक नाम ऐसा है जो पूरी तरह से इंसान नहीं लेकिन इंसानों की ही तरह बर्ताव करती है। जी हाँ, बिग बॉस 18 के लिए कंटेस्टेंट के नाम की चर्चा सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। अभी तक धीरज धूपर, निया शर्मा सहित कई कंटेस्टेंट के सामने नाम आए हैं, लेकिन जो इस शो के कंफर्म कंटेस्टेंट बताए जा रहे हैं, इस बीच देश की पहली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के नाम की चर्चा भी हो गई है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार बिग बॉस में इंसानों के बीच वर्चुअल AI इन्फ्लुएंसर नैना अवतार भी नजर आएंगी। बता रहे हैं कि नैना को 2022 में अवतार मेटा लैब्स द्वारा क्रिएट किया गया था। वे 22 साल की हैं और उत्तर प्रदेश के झांसी से ताल्लुक रखती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। नैना के इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि इस बार के बिग बॉस की थीम टाइम ट्रेवल पर आधारित है, यानी कि शो में भूत, वर्तमान और भविष्य का थीम रखा गया है। टाइम के इस कॉन्सेप्ट के अनुसार नैना को शो के लिए अप्रोच किया गया है। अगर वह शो में आती हैं तो ये ना सिर्फ व्यूअर्स के लिए एक्साइटिंग होगा बल्कि बिग बॉस का लेवल भी अप हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए आप सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।